गाइस तो चलिए आज इस ग्लेशियर को थोड़ा और डेकोरेट करते हैं, जिसके लिए मैं यूज करूंगी इलास्टिक थ्रेड एंड ईरानी कलर की क्रिस्टल बीड्स। तो यहाँ पर मैंने 14 बीड्स को इंसर्ट करके एक मीडियम साइज के ट्रांसपेरेंट बीड को इंसर्ट किया है। इसके बाद दोनों थ्रेड में अलग अलग 7 बीड को इंसर्ट करके एक ट्रांसपेरेंट बीड को इंसर्ट करना है। इसी प्रोसेस से हमें अपने अकॉर्डिंग एक लंबी सी चेन को रेडी कर लेना है। उसके बाद दोनों थ्रेड में दो दो पर्ल बीड को इंसर्ट करके नॉट टाई कर देनी है, लाइटर की हेल्प से अच्छे से लॉक कर देना है। और ऐसे ही मैं एक पीस और रेडी कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी सिल्वर थिन वायर, इसमें 7 क्रिस्टल बीड को इंसर्ट करके एक पर्ल बीड को इंसर्ट किया है एंड अगेन 7 बीड को इंसर्ट करके दोनों वायर में ड्रॉप शेप बीड को इंसर्ट करना है। उसके बाद दोनों वायर में एक ट्रांसपेरेंट बीड को इंसर्ट करना है। ऐसे ही मैं सेकंड साइड में भी करूंगी। लास्ट में वायर को ऐसे लॉक करके कट कर दूंगी। यहाँ पर मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसको बो की शेप दे रही हूँ। इसी के साथ का एक पीस और रेडी कर लूंगी एंड दोनों पीस को थोड़ा सा कर्व भी कर दूंगी। उसके बाद बो की बैक साइड पर स्ट्रॉन्ग ग्लू को लगाकर क्लचर की दोनों साइड में स्टिक कर देना है। लास्ट में हमें बड़े वाले दोनों पीसेस को ऐसे खींचकर क्लचर से अच्छे से अटैच कर देना है। और देखिए हमारा ये ब्यूटीफुल से क्लचर डेकोरेट हो गया है। सो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।